लाइव टीवी एक्सप्रेस खबर पल पल। खबर बलिया से। रसड़ा क्षेत्र के रसड़ा ब्लॉक में रविवार को मतदान हो रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में गांव की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में उत्साह दिखा। रसड़ा ब्लॉक के कुछ हिस्सों में जहां कोविड का डर होने के कारण मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे से भीड़ कम रही, वहीं मतदाता केंद्र 48 जूनियर हाई स्कूल गढ़िया रसड़ा बाहरी में मतदान केंद्र पर काफी भीड़ दिखी। इस दौरान लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया और जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। जिला अधिकारी अदिति सिंह व पुलिस अधीक्षक विपिन टाड़ा पुलिस बल के साथ लगातार मतदान केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। यही नहीं, दोनों अधिकारी मतदान केंद्रों पर लोगों को समझाकर अपील भी कर रहे हैं कि वह सोशल डिस्टेंस और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से मतदान रसड़ा ब्लॉक में शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी तक कहीं से कोई अप्रिय समाचार सामने नहीं आया है। शांतिपूर्वक मतदान जनपद में जारी है। वहीं पहली बार मतदान कर रहे हैं मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पहली बार मतदान करने आए युवक युवतियों ने कहा कि पढ़े लिखे साफ सुथरे छवि के साथ गांव के विकास करने वाले प्रत्याशी को ही अपना मत देंगे, पहली बार मत दे रहे हैं, वह काफी खुश दिखे। इस मौके पर उप जिलाधिकारी प्रभु दयाल व तहसीलदार प्रभात कुमार सिंह व रसड़ा कोतवाल नागेश उपाध्याय पुलिस बल के साथ उपस्थित रहे। राघवेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट।